सुप्रभात छात्रों, आशिक एजुकेशन हब बांसुर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। विषय संस्कृतम, टॉपिक है हमारा समास, और समास में आज हम पढ़ेंगे द्विगु समास, जो समानाधिकरण का ही एक भेद है। ठीक है, द्विगु समास संख्या पूर्वो द्विगु, संख्या पूर्वो द्विगु यानी इस समास में पूर्व पद संख्या वाचक होता है। संख्या पूर्वो द्विगु इसका अर्थ क्या है कि इस समास में पूर्व पद संख्या वाचक होता है। यह समास सदैव नपुंसक लिंग एकवचन में होता है। इस समास में पूर्व पद संख्या वाचक होता है और पूरा पद यानी कि यह समास हमेशा नपुंसक लिंग एकवचन में होता है। यथा जैसे देखो बेटा, समस्त पद है हमारा पंचगवम। अब पंच गवम इस पद में देखो, पंच क्या हो गया, ये संख्यावाची पद हो गया। ठीक है, पंच यानी संख्यावाची हो गया, गवम यानी कि गाय। ठीक है, ये क्या हो गया, संज्ञा शब्द हो गया हमारा, और समस्त पद नपुंसक लिंग एकवचन का हो गया है पंच गवम। ये समस्त पद जो हो गया ये नपुंसक लिंग एकवचन का हो गया। ठीक है, कहने का यह हो गया कि जिस समास में पहला पद तो कैसा हो, संख्यावाची हो, और समस्त पद कैसा हो, नपुंसक लिंग एकवचन का हो, उसे ही हम क्या कहेंगे, द्विगु समास कहें। ठीक है, पंचगवम यानी कि पांच गायों का समाहार है, तो इसमें आ जाएगा समास विग्रह में हो जाएगा पांच गायों का समूह, पांच गायों का समूह। वाक्य देखो हमारा कैसा है, पांच गायों का समूह यानी बहुवचन का है, तो कारक चिन्ह क्या रहा है, काके की, इसलिए हम षष्ठी विभक्ति बहुवचन में चले जाएंगे। षष्ठी विभक्ति बहुवचन में है पंचानाम पंचानाम गवानाम समाहार है, समूह को संस्कृत में किस प्रकार से लिखेंगे, समाहार यानी समूह, पांच गांव का समूह। त्रिरात्रम, त्रिरात्रम यानी तीन रात्रियों का समूह, तीन रात्रियों का समूह, वही बहुवचन का है, षष्ठी बहुवचन का। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा तिसृणाम, तिसृणाम यानी कि तीन रात्रिणाम समाहार है, तीन रात्रियों का समूह। चतुर्युगम, चार युगों का समूह, तो इसमें आ जाएगा चतुर्णाम युगानाम समाहार है, चार युगों का समूह। त्रिभुवनम, तीन भुवनों का, लोकों का समूह, तो इसमें हो जाएगा विग्रह त्रयाणाम भुवनानाम भुवना नाम समाहार है, तीन भुवनों का यानी लोकों का समूह। उसके बाद है शताब्दी यानी सात अवधियों का समूह, तो संस्कृत विग्रह हो जाएगा सतानाम सतानाम अब्दानाम समाहार है, सात अवधियों का समूह। उसके बाद है पंचरात्रम, पांच रात्रियों का समूह, पंचानाम रात्रिणाम समाहार है, पांच रात्रियों का समूह। अगला उदाहरण है पंचपात्रम, पांच बर्तनों का समूह, इसका संस्कृत विग्रह हो जाएगा पंचानाम यानी पांच, और बर्तन को संस्कृत में कहते हैं पात्र, पात्राणाम समाहार है, पांच बर्तनों का समूह। अगला उदाहरण है
पंचवटी, पांच वटों का समूह। तो इसमें हो जाएगा पंचानाम, वटानाम समाहार। पांच वटों का समूह। अगला उदाहरण है सप्त दिनम, यानी सात दिनों का समूह। संस्कृत विग्रह हो जाएगा सप्तानाम दिनानाम समाहार। सात दिनों का समूह, ठीक है बेटा। इस प्रकार से समानाधिकरण तत्पुरुष का ये जो दूसरा समास है द्विगु समास, ये हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।